100% प्रियंका चार चौधरी बिग बॉस 16 की विजेता बनने वाली है। इस चीज से लगता है पता भाई, किस चीज से लगता है पता, चलिए आप लोगों को भी समझाते हैं बताते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस काफी सारी ऐसी लिस्ट सामने आती है, जैसे कि अगर मैं और मैक्स लिस्ट की बात करूं तो जब तक अब्दू थे तब तक अब्दू जो है इस लिस्ट में नंबर वन थे, फिर उसके बाद अब्दू चले गए नंबर वन पे जो है एमसी स्टैन रहे, जिसके कारण जो है सोशल मीडिया पर प्रियंका फैंस की काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई कि भाई क्या इन लिस्ट के हिसाब से ही जो है वो विजेता बनता है। क्योंकि अब तक सीजन में जब देखा गया है, जैसे कि बिग बॉस 14 बिग बॉस 15 देखा गया है, जो भी पहले नंबर पे होता है वो जो है विजेता डेफिनेटली बनता है। हालांकि अब्दू के बाद एमसी स्टैन हुए, जिसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनाले के नजदीक जो है प्रियंका चार चौधरी ही नंबर वन पे आएगी, वैसे ही वो सब चीजें हुई और उसी दौरान ही पिछले हफ्ते भी ऑर्बेक्स लिस्ट में जो है प्रियंका चार चौधरी नंबर वन पे आई और इस बार भी ऑर्बेक्स लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्बेक्स लिस्ट में इस बार पहले नंबर पे कौन है। तो ऑर्बेक्स लिस्ट जो है ऑर्बेक्स लिस्ट मोस्ट पॉपुलर बिग बॉस कंटेस्टेंट की होती है, तो जिसमें सबसे पांचवें नंबर पे है टीना दत्ता, चौथे नंबर पे हैं अर्चना, तीसरे नंबर पे हैं शिव ठाकरे, दूसरे नंबर पे हैं एमसी स्टैन और पहले नंबर पे हैं प्रियंका चार चौधरी। तो गाइस प्रियंका चार चौधरी आ चुकी है पहले नंबर पे, पिछले हफ्ते भी पहले नंबर पे थी, अभी भी पहले नंबर पे हैं। वो तो विनर बनने ही वाली है, पर टॉप टू का बहुत ये हो रहा है कि आखिरकार टॉप टू शिव ठाकरे आएंगे या एमसी स्टैन आएंगे। पर आपका क्या विचार है, टॉप टू में किसको आना चाहिए? प्रियंका तो विनर बन ही रही है, पर उनके साथ कौन खड़ा होगा बताइए जरूर। उनका नाम एमसी स्टैन या शिव ठाकरे? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।